हे दोस्तों, अभी बहुत ही जल्द Realme की तरफ से आपको C सीरीज में एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है Realme C 17। जी हाँ, अभी Realme C 11 कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद Realme C 12 आया और फिर आपको Realme C 15 अभी देखने को मिल जाता है। और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है Realme C 17, इसका भी स्पेक्स लीक होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर आपसे कुछ कहना है, आपको शायद दिख रहा होगा कि ब्रांड्स हर एक महीने में 4, 5, 6, 7, 8 फोन लॉन्च करता है और वो भी एक दो चेंजेस के साथ, यानी कि कहीं पर बैटरी ज्यादा मिलता है, कहीं पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, या फिर कहीं पर HD प्लस या फिर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ आपको एक और नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है कुछ ही दिनों में, और इससे क्या हो रहा है कि ब्रांड वैल्यू कम हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रांड्स को ऐसा करना चाहिए। आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल Realme C 15 आपको मिल रहा था और इतना जल्दी आपको Realme C 17 देखने को मिल जाएगा, और ये असल में Realme C 15 का सक्सेसर होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग Realme C 15 को अभी खरीद चुके हैं तो उन पे क्या बीत रहा होगा। सो मुझे लगता है कि आपको अभी भी वेट करना चाहिए अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हर एक महीने में आपको उसका सक्सेसर देखने को मिल जाता है। तो जो फोन आपके लिए सही होगा प्राइस रेंज के हिसाब से, आपको वही फोन चूज करना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme C 17 के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो कन्फर्म स्पेक्स निकल के आया है कि Realme C 17 के अंदर आपको इस बार Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो है Snapdragon 460 का। तो ये प्रोसेसर आई थिंक बिलो एवरेज है, यानी कि थोड़ा सा कम पावरफुल है। अगर आप अभी के टाइम में बात करें, यानी कि 2020 में, ये प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस बार Realme C 17 के अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा रेजोल्यूशन में, यानी कि पिछले बार आपको HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, उसके बजाय यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और इस बार भी आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ में इस फोन में आपको 6GB का रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज या फिर 128GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन के अंदर मिल जाएगा। तो शायद आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पोको का एक फोन लॉन्च हुआ था पोको M2 के नाम से, तो उस फोन में आपको सबसे कम प्राइस में 6GB का रैम देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फोन डायरेक्टली उसी फोन को कम्पीट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें भी आपको 6GB का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और इसके कैमरे के बारे में बात करें, तो Realme C 17 के अंदर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें, तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, और वो भी वाटर ड्रॉप या फिर पंचोल सिस्टम के साथ। और बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो इस बार Realme C 17 के अंदर आपको 6000mAh का बिग बैटरी मिलेगा, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको इस फोन में मिल जाएगा। साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट Realme C 17 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये थे कुछ इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो आपको इस बार Realme C 17 के अंदर मिल जाएगा, जो असल में डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है पोको M2 के साथ। तो अगर आपको पोको M2 के बारे में नहीं पता है, तो आपके लिए मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसको चेकआउट कर पाएंगे। असल में पोको M2 का प्राइस बहुत ही कम है, और वो भी 6GB रैम सपोर्ट के साथ। और इस बार जो Realme C 17 है, इसका भी प्राइस आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इसके पिछले वेरिएंट के साथ कंपेयर करें Realme C 15 के साथ, जो अभी आपको 12,000 रुपये में देखने को मिल जाता है, और आने वाला जो Realme C 17 होगा, इसका प्राइस हमें लगता है कि आपको 13,000 से 14,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 13,000 रुपये में मिल सकता है। तो देखते हैं कि कितना जल्दी ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है, ये मैं आपको आने वाले दिनों में कन्फर्म बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है Realme C 17 के बारे में, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।